दोस्तों विवो ने तो कमाल कर दिया उसका विवो जेट वन प्रो इंडिया में लॉन्च करके, मतलब इतनी कम प्राइस में इतना सारा स्पेसिफिकेशन, वो भी विवो की तरफ से 15,000 रुपीस के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन गाइस इसको करारा जवाब देने के लिए बहुत ही जल्दी रियलमी की तरफ से एक तबाही वाला स्मार्टफोन आ रहा है जो कि रियलमी एक्स, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि 11 तारीख को विवो जेट वन प्रो का जो फर्स्ट सेल है उस सेल में आपको विवो का ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए या रियलमी एक्स के लिए इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में सब कुछ धीरे से एक्सप्लेन करूंगा, तो स्किप मत करना। और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, आप लोग लाइक करते हो और हमारा मनोबल बढ़ता है, तो लाइक जरूर करना और उसके साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाने टाइम ऑल में क्लिक करना ताकि आपको हमारा सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Vivo Jet 1 Pro में आपको बैक साइड की तरफ एक ग्लॉसी लुक देखने को मिल जाएगा, ड्यूअल टोन कलर मिलेगा, आप हाथ में लोगे तो प्रीमियम जैसा फील देगा। लेकिन गाइस फ्रंट साइड की तरफ आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, नहीं तो कोई नॉच है और जो बेजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा दिया है वो है गाइस इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा और 20,000 रुपीस के अंदर विवो पहली बार इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा ऑफर कर रहा है 20,000 रुपीस के अंदर। रियलमी एक्स में आपको देखने को मिल जाएगा बैक साइड की तरफ सेम ग्लॉसी लुक, ड्यूअल टोन कलर देखने को मिल जाएगा, ग्लास जैसा फील देगा एंड आप हाथ में लोगे तो प्रीमियम फील देगा, तो काफी अच्छी बात है। एंड फ्रंट साइड की तरफ आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, नहीं तो कोई नॉच है और जो बेजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा है, चेन जो है वो भी काफी छोटा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया है एंड यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलेगा जबकि विवो में आपको बैक साइड की तरह मिलेगा, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि विवो से थोड़ा बहुत डिस्प्ले एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा रियलमी में। और रियलमी में दिया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, तो काफी अच्छी बात है। कैमरास के बारे में बात करते हो गाइस, रियलमी एक्स में आपको बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का 1.7 एपर्चर के साथ आएगा और गाइस जो सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ आएगा, डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा जो सेकेंडरी सेंसर, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बेटर मिलेगा। जबकि विवो जेट वन प्रो में आपको बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर के साथ आता है और गाइस जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर के साथ आता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। और गाइस जो थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ आता है, ये डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों अभी तक दोनों फोन मेरे पास आया नहीं है तो दोनों फोन का कैमरा रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फोन में जो कैमरा क्वालिटी है वो किस फोन में मिलता है, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना, बहुत ही जल्दी इस चैनल में आ रहा है वो कंपैरिजन। सेल्फी कैमरे के बारे में बात कर दो गाइस, विवो जेट वन प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि आता है 2.0 एपर्चर के साथ और मैंने जैसे कि बोला इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। रियलमी एक्स में आपको देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा। दोस्तों जो कैमरा पोजीशन है वो दोनों फोन का तो अलग है लेकिन गाइस जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी अलग मिलेगा। ऐसे भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखकर दिखाई दे रहा है कि विवो जेट वन प्रो में सेल्फी कैमरा अच्छा मिलेगा, लेकिन गाइस फोन को आने दो, मैं खुद टेस्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फोन से कौन सा फोन का कैमरा सैंपल बेटर है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में जिसके ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। Realme X में आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट
जो कि आपको चाइना में देखने को मिला था, और स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि वही आपको इंडिया में मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730 मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि स्नैपड्रैगन 710 मिलेगा, जबकि वीवो जेट वन प्रो में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। और गाइस इसका जो जीपीयू है एड्रिनो 616 जीपीयू, गेमिंग परफॉर्मेंस यहां पे बेटर मिलेगा। और इसका जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर में बेस्ट है, यानी कि काफी पावर एफिशिएंट भी होगा। तो 710 से तो बेटर है 712, लेकिन गाइस 712 से बेटर है 730। अभी 15 तारीख को रियलमी एक्स इंडिया में आ रहा है, आने दो, कौन सा प्रोसेसर देखेंगे उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटरीज के बारे में। Vivo Jet 1 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 5000 mAh की काफी पावरफुल बैटरी। और दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स आपको फास्ट चार्जर मिलेगा, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे माइक्रो USB 2.0 मिल जाएगा। रियलमी X में आपको देखने को मिल जाएगा 3765 mAh की बैटरी। दोस्तों ये भी पावरफुल बैटरी है, आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर मिलेगा, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। रियलमी यहाँ पे दावा करता है कि 30 मिनट्स में 55% चार्ज करके दे देगा। सुपर वुक चार्जिंग 3.0 देखने को मिलता है, आउट ऑफ बॉक्स टाइप सी भी मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों आप बात करते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट सेल में Vivo Jet 1 Pro मत बाय कीजिए, क्योंकि 15 तारीख को Realme X आ रहा है, Realme X लॉन्च होने दो, उसके बाद मैं और एक कंपैरिजन लेकर आऊंगा और वहां पे मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि यहां पे सब कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि लीक्स एंड रूमर्स है, कंफर्मड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा कि आपको Realme X के लिए इंतजार करना चाहिए या Vivo Jet 1 Pro बाय करना चाहिए। तो मेरा सजेस्ट होगा कि आप रुक जाइए 15 तारीख तक, उसके बाद देखिए कि कौन सा फोन बेटर है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फोन बेस्ट है, और उसके बाद ही आप तुरंत आपके मनपसंद अनुसार आप स्मार्टफोन बाय करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। और लाइक करना मत भूलिए, शेयरिंग आपके हाथ में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।